हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग AVS पढ़ेंगे क्लास UKG के लिए। तो आज का हमारा चैप्टर है ब्यूटीफुल बर्ड्स। ठीक है, ब्यूटीफुल बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी, यानी कि आज हम लोग पक्षियों के नाम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वेल, आवर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ द ब्यूटीफुल बर्ड्स, यानी कि हमारा जो वर्ल्ड है, संसार है, उसमें बहुत सारे टाइप के बर्ड्स हैं, बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हम लोगों ने पढ़ा, एनिमल्स के यूजेस को पढ़े हम लोग, हमारे लाइफ में क्या यूज है उन एनिमल्स का। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बर्ड्स नेम। ठीक है, तो बर्ड्स हमारे वर्ल्ड को बहुत ही सुंदर बनाता है। दे लुक वेरी अट्रैक्टिव टू अस, यानी कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, अपने अपने तरफ आकर्षित करते हैं बर्ड्स, पक्षियाँ। आप सभी को बर्ड्स बहुत पसंद होंगे, जैसे कि आप सबके घर में पैरोट होगा, है ना, फिर डक, तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है। आप सब पिकॉक देखे होंगे टीवी में या फिर रियल में, पिकॉक जू में कितना सुंदर दिखता है ना, तो हम लोग इसके नाम को आज याद करेंगे। ठीक है, कैसे याद करेंगे, PECOCK, पिकॉक। पिकॉक का मतलब क्या होता है, मोर। ठीक है, पैरोट, PARROT, पैरोट मतलब तोता। स्पैरो, SPARROW, स्पैरो मतलब गौरैया जो आती है दाना खाने, आप सबके छत पे आपने देखा होगा। डक, डक मतलब बतख, DUCK, डक। क्रो मतलब कौवा, CROW, क्रो। कुक, COCK, कुक मतलब जो मुर्गा होता है उसको बोलते हैं कुक। अब आते हैं की पॉइंट। इसके अलावे और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जिसको आप, जिसके नाम को आप याद कर सकते हैं। अगर मैं देती हूँ आप सभी को राइट 5 बर्ड्स नेम, 10 बर्ड्स नेम, तो इसके अलावे और भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए की पॉइंट में ईगल दिया हुआ है, ईगल, पिजन, कॉक, स्पैरो, पिकॉक, पैरोट, डक आर सम एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स, यानी कि इसके अलावे ईगल और पिजन भी बर्ड्स नेम में आप लिख सकते हैं। पिजन मतलब क्या होता है, कबूतर, और ईगल मतलब गिर होता है। ठीक है, ऑल दी बर्ड्स हैव टू लेग्स एंड टू विंग्स, हम लोग तो पैर से चलते हैं, है ना, अपने हाथों से काम करते हैं, लेकिन जो बर्ड है वो कैसे चलती है, अपने विंग्स से उड़ती है, यानी कि अपने पंख से। उनके पास दो पैर होते हैं, देखिए यहाँ पे सब सारे जितने भी बर्ड है दो पैर है ना, तो जितने भी बर्ड होते हैं उनके दो पैर होते हैं और दो विंग्स, यानी कि दो पंख होते हैं। ठीक है, पंख से वो क्या करते हैं, फ्लाई, उड़ते हैं, दे कैन फ्लाई इन द स्काई। और वो लोग कहाँ उड़ते हैं, स्काई में उड़ते हैं, किस चीज़ से, अपने पंख से। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको याद करना है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन इंसेक्ट नेम, इसी चैप्टर का है कॉमन, यानी कि इंसेक्ट। हम लोग क्या पढ़े अभी, बर्ड्स नेम, अब हम क्या पढ़ेंगे, इंसेक्ट नेम। ठीक है, तो इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, कीड़ा। फ्रेंड्स, द इंसेक्ट आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, यानी कि हमारे वर्ल्ड में सबसे छोटा जानवर जो होता है इंसेक्ट को कहा जाता है। इंसेक्ट बहुत ही छोटा एनिमल होता है। मस्ट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स हैव अ बॉडी दैट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जिनके बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे एंट देखिए, एंट का मिडिल पार्ट, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट 3 वैरायटी में बटा हुआ है, 3 टाइप का है। आप यहाँ देखिए, ये हो गया हेड, ये हो गया बॉडी, और ये हो गया बैक पार्ट। तो बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जिनका बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और हम इनके नाम को आज जानेंगे। तो देखिए एंट, ANT, एंट। एंट तो आप सबके घर में, आप सब ने देखा होगा ना, हर घर में पाया जाता है एंट। एंट मतलब क्या होती है, चींटी। स्पाइडर मतलब जो जाल लगाता है, क्या, मकड़ा, है ना। स्पाइडर, हनी बी जो मधुमक्खी होती है उसको हनी बी, हाउस फ्लाई, मक्खी, बेटल, कॉकरोच, ब्लैक बग एंड मस्क्यूटो। ठीक है, मस्क्यूटो का मतलब क्या होता है, मच्छर। तो आप सबको करना क्या है, इसके इसको याद करना है, इसके नेम को याद करना है स्पेलिंग के साथ। ठीक है,
और इसके अलावा और भी बहुत सारे इंसेक्ट हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, और ये सारे चीज़ हमारे घर या गार्डन में पाए जाते हैं। यानी कि मतलब जैसे एंट हो गया, स्पाइडर हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, कॉकरोच, ये सब तो ज़्यादातर घरों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम कह सकते हैं कि हम इन्हें कहाँ देखते हैं, अपने घर में या फिर गार्डन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सब याद करिए, आज हम लोग क्या पढ़े, बर्ड्स नेम और इंसेक्ट नेम। ठीक है, तो 5 बर्ड्स नेम और 5 इंसेक्ट नेम आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। वैसे कोशिश करेंगे इसमें, इस टॉपिक में, मतलब इस चैप्टर में जो भी नाम दिया हुआ है सबको आप याद करिए, लेकिन अगर आपको नहीं याद होता है तो कम से कम 5 तो बिल्कुल याद करिए सारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।